नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हम कर रहे थे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, फिजिकल साइंस के जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम कर रहे थे। जो हमने पहली वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने पढ़ा था व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि के बारे में, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड और लेक्चर मेथड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याख्यान, प्रदर्शन विधि, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और आगे की भी कुछ मेथड्स देखेंगे। पहली सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो सभी प्लेलिस्ट आपकी सब्जेक्ट वाइज बनी हुई हैं। सभी प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं लाइन वाइज, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी। तो आप सभी वीडियोस को देख कर अपने किसी भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन नहीं मिल पाता तो उन सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से भी आप जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। व्याख्यान, प्रदर्शन विधि, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दोस्तों, नाम से पता लग रहा है कि इस विधि में लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों का मिक्सअप है। आपने लेक्चर मेथड पढ़ा जिसमें क्या होता था, टीचर क्लास में जाते थे और जो भी उन्हें पढ़ाना होता था, जो उनका टॉपिक था वो बोलकर बच्चों को बता देते थे, वो उनका लेक्चर मेथड होता था। नेक्स्ट मेथड आपने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो तथ्य होते थे, उनको टीचर्स प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाते थे करके, ठीक है। तो दोनों हमने मेथड पढ़े थे। ये जो हमारा थर्ड मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों का मिक्सअप किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये मेथड। तो दोस्तों, इस विधि में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि दोनों के ही गुण शामिल हैं, ठीक है, और दोनों के जो दोष हैं उनको दूर करने के प्रयास किए गए हैं। इस विधि में शिक्षक व्याख्यान विधि की मदद से सैद्धांतिक भाग की व्याख्या करता है तथा चित्रों और कथनों का उपयोग करता है। मतलब आप देखते हैं साइंस में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका विषय हो, उसमें क्या होता था कि कुछ थ्योरी का भाग होता है, पहले सबसे पहले आपको समझाना होता है, थ्योरी होती है, और उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंटल भी होता है, ठीक है, प्रूफ करने का भी होता है। तो टीचर क्या होता है, पहले तो थ्योरी समझा देते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लेक्चर मेथड के माध्यम से, पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं और उसको प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक भाग को स्पष्ट करने के लिए वो प्रयोग का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें आपको लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों का कॉम्बो किया हुआ होता है। इसके मेरिट्स देख लेते हैं, गुण क्या क्या होते हैं। इसमें विद्यार्थी जो होते हैं पूरी तरह सक्रिय होते हैं, स्टूडेंट्स आर फुली एक्टिव इन दिस, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं एक्टिव होते हैं। पहले में जो आपने लेक्चर मेथड पढ़ा था उसमें स्टूडेंट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते। अब आप एक नॉर्मल सी बात आप समझेंगे कि बच्चे की पढ़ते समय, टीचिंग के दौरान, लर्निंग के दौरान जितने ज़्यादा साइंसेज का इस्तेमाल हो रहा होगा, जितने ज़्यादा साइंसेज यूज़ हो रही हो, उतना ही ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है। मतलब हमारी सेंसेस होती है आँख, नाक, कान, तो अगर जितनी ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल में आ रही है लेक्चर मेथड में, आपकी जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी कितनी सेंसेस काम में आ रही थी, सिर्फ एक, सुनने की। उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स टीचर को सुनने का ही तो काम करते थे, तो सिर्फ एक सेंसेस काम में आ रही थी, सुनने की, कान की, ठीक है। लेकिन ये जो आपका मेथड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, तो ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और जितना ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल होंगी उतना ही ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, मतलब उसमें भाग लेगा। अब जब एक्सपेरिमेंट करके टीचर्स दिखा रहे होंगे तो बच्चा उसमें सोचेगा, उसकी जो थिंकिंग पावर है वो चलती रहेगी माइंड में, और उसको ध्यान से समझने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें छात्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, इसलिए उन्हें किसी झूठी कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ता। आपके साइंस में जो भी तथ्य हैं, जो भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी को वो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देख रहा है होते हुए, तो उसको कोई कल्पना नहीं करनी पड़ रही, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ रही। मैं हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो एग्जांपल सबसे सिंपल होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप किसी क्लास में जाते हैं और बच्चों को बता देते हैं कि धरती वस्तुओं को अपनी अगर आकर्षित करती है, कोई वस्तु कितनी भी दूर चली जाए लौट कर धरती पर ही आएगी, ये तो आप थ्योरिटिकल बता रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चे उसको देख रहे हैं, वास्तव में अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। आप गेंद को ऊपर फेंक कर दिखाएंगे, वो गेंद वापस नीचे आएगी, तो बच्चे उसको देख रहे हैं सामने, तो उन्हें कोई भी इमेजिनेशन झूठी कल्पना नहीं करनी पड़ रही है। उसी तरह से एक आपका सिद्धांत होता है कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है और कुछ वस्तुएं पानी में डूबती हैं। आप उसका पूरा सिद्धांत बता देते हैं, ठीक है, थ्योरी आप पूरा उसको बता देते हैं, फॉर्मूले वगैरह जो भी होते हैं सब बता देते हैं, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं तो बच्चा अपनी आंखों से देखता है कि हाँ कुछ वस्तुएं ऊपर तैरी और कुछ वस्तुएं डूबी, उनका क्या रीज़न है, उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पूरा अच्छे से क्लियर कर लेता है अपने सारे डाउट्स को, ठीक है। तो कोई भी झूठी कल्पना का सहारा उसमें नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट आपका यह विधि सस्ती और अन्य विधियों के मुकाबले इसमें समय कम लगता है। मतलब अगर आप आगे आने वाली जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे, जैसे कि आपका हो गया प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि, और ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, और आगे आपके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, उन सभी के अगर मुकाबले देखें, कंपैरिजन में देखें, तो ये मेथड बहुत ही कम समय लेता है, क्योंकि टीचर्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट को करना जानते हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी थ्योरी को समझा के जल्दी से एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं, उसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है, और सस्ती विधि मानी जाती है ये। नेक्स्ट आप चलते हैं दोष पे, इसके आगे इसके दोस्त देखेंगे, इसमें छात्र खुद से प्रयोग नहीं कर पाते। सबसे बड़ा अगर नेगेटिव पॉइंट इस मेथड का है तो वो यही है कि छात्र खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। डेमोंस्ट्रेशन का मतलब है कि टीचर एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा रहा है, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसमें करके सीखने के लिए कोई स्थान नहीं, जब बच्चे खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो करके सीखने वाला जो नियम है, वो जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद करके नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ देख के, समझ के और सुन के सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी बच्चे के अपने अपनी विभिन्नताएं, अपनी अपनी विशेषताएं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। टीचर्स क्लासेस में सबसे आगे परफॉर्म करते हैं, सबसे आगे प्रेजेंट करते हैं, वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, उसमें ज़रूरी नहीं है लास्ट तक बच्चे को दिख रहा हो। जो आगे के कुछ बच्चे होते हैं उनको दिख जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जो पीछे के बच्चे होते हैं वो देख नहीं पाते। और दूसरी बात, टीचर्स होता है वो अपने स्पीड से चलते हैं, ठीक है, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो वो समझा रहे हैं, वो अपने स्पीड से समझा रहे हैं, उसमें वो इंडिविजुअल एक एक बच्चे की स्पीड का ध्यान नहीं रख पाते, ठीक है। आगे चलते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि की भूले। कुछ ऐसे भूले हैं, कॉमन एरर्स हैं, जो कि अक्सर इस मेथड में टीचर्स करते हैं। कौन कौन सी है, जैसे कि श्याम पट का समय पर प्रयोग ना करना, नो यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो टीचर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या बताते हैं तो वो बीच बीच में जो ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देते या फिर बीच बीच में भूल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शन से पहले उपकरण को तैयार करके रखना है। ये एक नॉर्मल से कॉमन एरर है कि टीचर्स एक्सपेरिमेंट्स से पहले जो इक्विपमेंट होते हैं उनको तैयार करके अरेंज करके नहीं रखते कभी कभी, ये कॉमन एरर्स में आता है, ठीक है। शिक्षक का लगातार बोलते रहना, कंटिन्यूस टॉकिंग ऑफ टीचर्स, तो ये हैं कुछ कॉमन एरर्स, अगर इनको सुधार लिया जाए तो ये जो मेथड है वो अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। आगे चलते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि का संचालन, कंडक्ट ऑफ लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन मेथड, या हम कह सकते हैं कि पद क्या क्या है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, इस मेथड में आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये सभी स्टेप्स टीचर्स के लिए हैं ना कि स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है योजना की तैयारी, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। किसी भी आप कोई चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई प्रिपरेशन तो करेंगे, प्लानिंग तो करेंगे। उसमें आप क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप करते हैं तैयारी, सोचते हैं कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे थ्योरी समझानी है, कैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या करके दिखाना है, उस सब की आप प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट पे आप लेसन प्लानिंग करेंगे, पाठ योजना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रयोग की रिहर्सल करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट आपको करना है उसको आप करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, रिहर्सल करके देखेंगे उसका, ठीक है।
इसके बाद करेंगे हम उपकरणों को व्यवस्थित रखना। जो भी आपको अपरेटस चाहिए, जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, उपकरण जो भी चाहिए, उनको आप अरेंज करके रखेंगे अच्छे से। जो उपकरण नहीं है, जो इक्विपमेंट नहीं है, उनको अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। जो खराब हो गया उनको सही करेंगे, तो उन सभी के अरेंजमेंट करेंगे। इसके बाद आप पाठ को प्रस्तुत करेंगे, इंट्रोड्यूस द लेसन, यानी कि एक तरह से ये आपके इंट्रोडक्शन स्किल में आ जाएगी। जैसे आप इंट्रोडक्शन स्किल में क्या करते थे, क्लास में जाकर अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। अपना जो भी लेसन आपको पढ़ाना है, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के सामने, कुछ भी क्वेश्चंस करके उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप अपनी टीचिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और बीच बीच में ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी ज़रूरत है उसको करेंगे। तो इस तरह से आप व्याख्यान प्रदर्शन विधि का संचालन कंडक्ट कर सकते हैं। इनको अगर आप कहें तो यही आपके पद हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को करते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ क्या, आप जो भी आपको चैप्टर पढ़ाना है, लेसन पढ़ाना है, साइंस है, और साइंस में ऑब्वियसली सुबह आता है थ्योरी भी होगी आपका, और सैद्धांतिक भाग भी होगा, प्रिंसिपल्स भी होंगे उसमें, फैक्ट्स भी होंगे, एक्सपेरिमेंट भी होंगे, ठीक है। तो आप थ्योरिटिकल भाग को आप लेक्चर मेथड के माध्यम से समझा देंगे, उसमें आप बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, जो आपको समझाना है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, प्रयोग करके डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे। क्योंकि टीचर खुद डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अगर ये आपको विधि समझ में आ गई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आने वाली जो भी टीचिंग मेथड्स है, जितने शिक्षण विधियाँ हैं, सबको एक एक करके कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन अगर आपको तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगी, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे, और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।